मंत्री महोदय ने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में बोलने के लिए कह रहा है। ये जब डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर जम्मू कश्मीर, कश्मीर में जो भी दिक्कत है मंत्री महोदय के सामने रखे तो इसके कुछ सुझाव निकालेगा, क्योंकि जैसा कश्मीर सुंदर है मंत्री जी भी बहुत सुंदर तैयार होकर यहाँ पर बैठे, मगर इसको तो सुधारने के लिए तो कोशिश नहीं कर रहे सर, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है हमारे मंत्री महोदय ने। इसीलिए ने मंत्री महोदय ने ये जो हमारा हमदर्द हमारा आवेदन सुनकर इसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम होगा तेलंगाना के, मगर हमको हमदर्द है कश्मीर के बारे में। कश्मीर इज आवर हार्ट। तो आपका नहीं है, आप पड़ोसी है सर, सबका ही है। मैं आपका अकेले का हक थोड़ी है, सबका हक है कश्मीर। नहीं 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 सर, आप लोग समझते हैं आपका ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका नहीं, अपना हमारा सबका है। आप शायद इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आए, आप सप्लीमेंट्री में बोल रहे हो। और सप्लीमेंट्री में जो चीजें है ना वो सप्लीमेंट्री के हिसाब से आती है। जो मूल बजट है उसमें टूरिज्म में आपको पता है कितना दिया है? आप खाली सप्लीमेंट्री की बात करके टूरिज्म को प्रमोट तो ओरिजिनल एलोकेशन ही मैं बोल रहा हूं सर, मैं ज्ञान मत रखो, ऑल द डिटेल्स सर। चलिए चलिए, दादा आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, दादा आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, जहां तक प्लीज प्लीज मैं पहला आपकी बात इट्स गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ओके प्लीज सर, सर मैं पहले बार सांसद बनकर इधर आया हुआ हूँ, मैं इससे पहले एमएलए था। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है सर। इसमें जो बजट के बारे में कह रहा हूँ, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट भारत सरकार ने दे रहा है उसके बारे में कह रहा हूँ सर। वो स्टेट का बजट अलग है, 1,00,000 करोड़ के ऊपर है, मगर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट भारत सरकार ने दे रहा है दैट इज 30,000 करोड़ 757 लाख। तो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ सर। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जब सरकार ने कश्मीर जैसे वैली को जब वैल्यू देना है, मदद देना है, तब अपना दिल खोलकर दिल बड़ा करके जो बाहर से जो ब्लैक मनी लाने के लिए मोदी जी ने कहा था वो पूरा सारे पैसे ब्लैक मनी ले आकर कश्मीर को दिए तो हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तेलंगाना को बजट से दे सकता है। जो ब्लैक मनी जो लाने वाले हैं वो ब्लैक मनी स्विस बैंक से जो भी आएगा वो सीधा सीधा कश्मीर को भिजाओ सर, हमको कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये अपना जो सीज फायर के स्टेट के बदल के यूनियन टेरिटरी बनाए तो वहां पर लैंड ऑर्डर सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, भारत उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। सीज फायर वहां पर सब माहौल को बदलने के लिए कोशिश करता है बोल के मोदी सरकार ने और अमित शाह जी ने हमको आश्वासन दिला है। मगर मैं यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स ये दिखाना चाह रहा हूँ सर, एलओसी का ने 2019-20 में 3,289 क्रॉस फायर हुए सर, ये 2018 में 1,629। जब कश्मीर स्टेट था तब 1,629 क्रॉस फायर हुए, तो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद 3,289 क्रॉस फायर्स हुए सब। इसका मतलब यूनियन टेरिटरी जब बनाए ये पूरा शांति हो जाएगा, कश्मीर डेवलप हो जाएगा जो भारत सरकार ने कहा, ये तो गलत साबित हो गया सर। इसके बारे में भी भारत सरकार ने सोचना है। ये नंबर लास्ट 16 ईयर्स में हाईएस्ट क्रॉस फायर लास्ट 16 ईयर्स है, तो ये 16 साल में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉस फायर हुआ है वो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सर। इसीलिए हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं सर, कश्मीर के बारे में हमेशा कभी भी ये मुद्दा चर्चा हाउस में आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चर्चा बहुत कुछ आते हैं सर, हमको कोई एतराज नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज नेशनल गवर्नमेंट में फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर था अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जब 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 ये 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट हुए, जब 370 आर्टिकल बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुए, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज वेरी मच प्रेजेंट, ही वॉज साइंड ऑन दट 370 आर्टिकल इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज मिनिस्टर 15th August 1947 to 6th April 1950। ऑटोमेटिकली खत्म होने वाली थी, दैट्स व्हाई पॉसिबली अदर ऑनरेबल मेंबर डिड नॉट ऑब्जेक्ट। एनीवे यू कंटिन्यू प्लीज।
मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूँ, हमेशा जो अच्छा होता है आपके किताब में लिख लेता है, उससे कुछ बुरा निकलेगा वो पंडित नेहरू जी के खाता में लिखने के लिए कोशिश करते। सर मैं इतना ही हमारे मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार है, भारत सरकार में जब आप 370 पे आप कह रहे हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి, ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।